है, धमाल है, पर आप एक अच्छे सिंगर भी, आप में हिडन टैलेंट भी है, तो उसके बारे में जरा बताइए। आई थिंक जस्ट वांटेड टू कांग्रेचुलेट कि शोएब भाई, जिशान भाई, जदीप भाई, हमारे आकाश भैया और काला साहब, सब ने इतनी मेहनत की है मूवी में। और आई एम ऑल्सो फ्रॉम यूपी एंड माई वाइफ ऑल्सो फ्रॉम मेरठ। तो जब मेरठिया गैंगस्टर का ट्रेलर बीच में डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि ये मूवी काफ़ी यूनिक है और इसमें जो एक स्मॉल टाउन से सारे के सारे आर्टिस्ट आते हैं, उन्होंने कैसे लोगों को एक अपनी कॉमेडियन से काफ़ी सारा रुझान दिया लोगों को हंसने के लिए। तो आई थिंक जो टची चीज़ें हैं आप उसमें फ़न भी है, कॉमेडियन भी पूरा उन्होंने किया है, और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली है सब ने काफ़ी मेहनत किया उस मूवी में। तो जस्ट वॉन्टेड टू विश एवरी वन वेरी गुड लक फॉर दिस मूवी। Audience has already seen you on, the viewers have already seen you on cricket field and you are marvelous at your work. पर ये जो singing है ये आपने पहली बार की है, तो आपका experience कैसा रहा? मतलब आपको कुछ nervousness हुई या ये आपका बचपन से शौक है singing का? ये बचपन में भैया है मेरे, नरेश रैना भैया, वो singing करते हैं, religious गाने गाते हैं वो, उन्होंने अभी साई भजन भी किया है। लेकिन आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव ऑल क्रेडिट टू सिद्धांत भैया, उन्होंने काफ़ी सारा मेहनत किया। और जैसे वो बोल रहे हैं कि प्रोफेशनल सिंगर नहीं गाते, मैंने कुछ नहीं किया, आई थिंक उन्होंने सब कुछ मेरे साथ हेल्प किया, तो थोड़ा अच्छा था। सिंगिंग करते हैं, बोर्डिंग स्कूल में जो रैगिंग होती थी तो वो गाने सुनाने को बोलते थे, तो दो दो लाइन गा के मैं थोड़ा वैसे बच जाता था। तो मैं आज यहाँ पे रैगिंग नहीं करने वाली हूँ, मैं रैगिंग नहीं कर रही, पर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ दो लाइनें हमें ज़रूर सुनाएं अपने गाए हुए गाने की। प्लीज़ कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम बिकॉज़ ही इज़ अबाउट टू सिंग द सॉन्ग दैट ही सांग इन द फिल्म मेरठिया गैंगस्टर। दो लाइन सुना देता हूं। हाँ जी सर, प्लीज़ गुनगुना दीजिए थोड़ा सा। सर नर्वस मत हुई हो ये आप? शादी के बाद नर्वस खत्म हो गया, स्टार्टिंग में था, अभी थोड़ा स्कूल हो गया। तू मिली सब मिला और क्या मांगू मैं। दैट इज अमेजिंग। मतलब आप में एक हिडन टैलेंट है, वो है गाना गाने का, और आपने अभी इतना बढ़िया गाया, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम प्लीज। इन्होंने दो लाइनें गाई वो बहुत बेहतरीन गाई। थैंक यू सो मच सर, प्लीज बी ऑन स्टेज। आई वुड लाइक टू कॉल योर वेरी डियर फ्रेंड एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म शोएब अहमद, प्लीज सर प्लीज कम अप ऑन स्टेज। मैंने आप दोनों की दोस्ती के किस्से सुने हैं, अब मुझे ये बताइए इस फिल्म में एसोसिएट आप दोनों एक साथ हुए, सो एसोसिएशन में आप दोनों को कितना मजा आया सर ये बताइए, एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस तो दोस्ती का एक्सपीरियंस है, बाकी फिल्म को इसमें क्या है, तो काफ़ी टाइम से साथ में दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हैं हमेशा। मैं कहीं से इतना ट्रैवल कर रहे हैं और बच्चों को इतना टाइम नहीं देखा, आई थिंक जिशान भी इतने सालों से काम कर रहा है, इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। जैसे क्रिकेटर की लाइफ होती है, आप कुछ बड़ा चीज़ करते हैं, लेकिन जो सक्सेस के मोमेंट होते हैं उसमें फैमिली नहीं होती है, फिर फ्रेंड्स नहीं होते, तो बहुत अच्छा लगा। कैंडी मैंडी दोनों आए, आवेश भाई आए, मिक्की भाभी आए, और सारे के सारे जितने भी कलाकार यहाँ पर हैं, जब फैमिली के साथ शेयर करते हैं तो उसका मज़ा बहुत अलग है। बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग हियर सर, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म एंड थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, मूविंग।